तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि यह बीमारी क्या होती है, किन लोगों को होती है और कैसे होती है, तथा इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसे फैक्ट या तथ्य को भी क्लियर करना चाहेंगे जिसके बारे में लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट या गठिया एक ही डिजीज है, पर दोनों में एक बारीक हेयरलाइन डिफरेंस भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अचानक से न होकर धीरे धीरे या ग्रेजुअली होने वाला प्रोसेस है और कभी कभी क्रॉनिक या असाध्य रोग भी बन जाता है, जबकि गाउट या गठिया अचानक ही किसी भी जोड़ में अपीयर हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियों के जोड़ों में डीजेनरेशन या टूट फूट होती है, जिससे जोड़ों में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है और दर्द रहने लगता है, जबकि गाउट या गठिया हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाने के कारण होता है, जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाता है और भयंकर दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि स्टिफनेस या अकड़न भी आ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सही समय पर इलाज न करवाने पर जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाता है, जिसके कारण मूवमेंट में रुकावट आती है और लॉक जॉइंट तक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे रोगी बैठे बैठे या लेटे लेटे अचानक उठ नहीं पाता है और उठने पर रोगी के गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आइए अब हम ये जान लेते हैं कि किन प्रकार के लोगों में यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है और उनके बॉडी के कौन से पार्ट्स प्रभावित या अफेक्टेड होते हैं। वैसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकती है, परंतु 50 वर्ष के ऊपर के लोगों में यह ज्यादा होती है और 60 वर्ष के और उसके ऊपर के एज ग्रुप में इसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अधिक वजन या वेट होने पर लोगों की तकलीफ और बढ़ जाती है। यह रोग विभिन्न जोड़ों जैसे गर्दन, कंधे, हाथ, कलाई, उंगलियां, घुटनों, एड़ी आदि में अक्सर होते देखा जाता है। तो चलिए अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण या कॉजेज बताते हैं। जोड़ों या जॉइंट्स में हड्डियों के नीचे कार्टिलेज नामक एक संरचना या स्ट्रक्चर होती है, जो कि लचीली हड्डियों के समान होती है। ये हड्डियों के बीच कुशन का काम करती है, जो कि किसी इंजरी या एजिंग के कारण क्षतिग्रस्त या डैमेज होने लगती है तो बीच का कुशन हट जाता है और जोड़ों की हड्डियां आपस में टकराने लगती है। हड्डियों में जॉइंट्स के पास खुरदुरापन आ जाता है, जिससे भयंकर दर्द होता है और जोड़ों में सूजन भी आ जाता है। एक बार कार्टिलेज डैमेज हो जाने पर दोबारा रीजेनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि